मैथिली, आज के फैशन में लोग क्रॉप टॉप पहन के, शॉर्ट पैंट पहन के, हॉट पैंट पहन के दिखाई देते हैं, लड़कियां जो हैं स्पेशली। आपने अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के फंक्शन में आपको देखा गया और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं बिहार की बेटियां, मिथिला की बेटियां जो है, आपसे बहुत बड़ी लोगों ने सवाल किया है कि आप प्लेबैक नहीं करेंगी या फिर आप जो हैं वो अपने गानों को जो आपके संस्कार को दिखाते हैं या फिर आपकी धरती से जो जुड़ाव को दिखाते हैं वही गाना आप गाएंगी, ऐसा आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको फिल्मी गानों की तरफ नहीं जाना है या फिर ऐसा कुछ प्लेबैक नहीं करना है? नमस्कार, मैं गुंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ मेरी फेवरेट और आप सभी की फेवरेट मैथिली ठाकुर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मतलब पटना के सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप जगह जगह घूम रही हैं, आप फॉरेन जा रही हैं, पटना क्या आपके दिल में स्थान रखता है? पटना अपना घर है। जब भी आती हूँ तो खादी से जब से जुड़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले खादी ही आ जाती हूँ और यहाँ से कुछ कुछ कपड़े जैसे मैंने अभी भी जो पहना है वो यहीं से खरीद के फिर दिल्ली जाके सिलवाए थे उसको। मैथिली, आज के फैशन में लोग क्रॉप टॉप पहन के, शॉर्ट पैंट पहन के, हॉट पैंट पहन के दिखाई देते हैं, लड़कियाँ जो हैं स्पेशली। आपने संस्कृति को मेंटेन किया या फिर स्टेजेस पे आपको देखते हैं हम लोग की साड़ी में रहती हैं, सूट में रहती हैं, इतनी प्यारी दिखाई देती हैं, तो क्या चीज़ रहता है जो आपको कॉन्स्टेंट रखता है कि अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए? मतलब मुझे ये पहनना पसंद है, मैं कंफर्टेबल ऐसे कपड़े में रहती हूँ जहाँ पे मतलब साड़ी पहनना या फिर सूट, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, मेरी मम्मी को भी मैंने ऐसे पहने हुए देखा है तो इसीलिए कंफर्टेबल। आपने अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के फंक्शन में आपको देखा गया और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं बिहार की बेटियां, मिथिला की बेटियां जो है वो इतना प्यारा गाना गाती है या फिर ऐसा, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों से आपको अप्रिशिएशन मिलता है कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगा, और उनको सिर्फ टीवी पे देखे थे और फ़ोन पे उनके वीडियोस देखे थे, लेकिन सामने जब उन्होंने बुलाया था तब भोपाल जाना हुआ मेरा उनकी कथा में, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जान के कि उन्होंने मुझे बुलाया है और वो मुझसे मिलना चाहते थे, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मेरे फेवरेट जो जिनके कथा सुनती हूँ वन ऑफ द फेवरेट्स हैं और उनसे मिलने का ऐसे मौका मिला। आपसे बहुत बड़ी लोगों ने सवाल किया है कि आप प्लेबैक नहीं करेंगी या फिर आप जो हैं वो अपने गानों को जो आपके संस्कार को दिखाते हैं या फिर आपकी धरती से जो जुड़ाव को दिखाते हैं वही गाना आप गाएंगी, ऐसा आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको फिल्मी गानों की तरफ नहीं जाना है या फिर ऐसा कुछ प्लेबैक नहीं करना है? बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन मुझे पसंद जो है वो ये है, लोक संगीत पसंद है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर कुछ अच्छा नहीं लगता है, और अपने जो अपना जो शास्त्रीय संगीत है वो मैंने बहुत पहले से ये सीखना शुरू किया, मुझे याद भी नहीं मैंने कब से सीखना शुरू किया, इतनी बचपन से सीखा कि पता ही नहीं है कि कब से शुरू हुआ। उसके बाद जो लोक संगीत, जब इसका जो भूत चढ़ा मुझको, मतलब उसके आगे बॉलीवुड वगैरह सब फीका है तो वो सब पसंद नहीं आता। जितने लोग आपको देख रहे हैं आपको इतना पसंद करते हैं, जो आपको भर भर के प्यार मिल रहा है, बरसाया जा रहा है उसके ऊपर, लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? ऐसे ही जुड़े रहिए मुझे सोशल मीडिया पे, आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल मेरा एक नया बना है तो व्हाट्सएप पे मैथिली ठाकुर सर्च करेंगे तो जो ग्रीन टिक होगा उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह मैं हूँ, आप जुड़िए। चलिए, आप जुड़ सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं कि मैथिली कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या कौन सा गाना इनका नया आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी क्या कहना चाहेंगे, गाना सुनने को मिलेगा आपको बाद में थोड़ा, लेकिन आपको कैसा लगा इनके साथ हमारा ये कवरेज जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।